जितने मुसलमान के युवा बच्चे हैं उनका फ्यूचर तो खराब होना ही होना है। वो कहीं भी चाय की दुकान पे मिलेगा आपको, कहीं वो नाई की दुकान पे मिलेगा, कहीं पुलिस करने पे मिलेगा, ना वे डॉक्टर बन पाएंगे, ना वो इंजीनियर बन पाएंगे, ना बीटेक पॉलिटेक्निक में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब उनके उनका पूरा फ्यूचर ही खराब हो गया। मैं देश में जाता हूँ, मुसलमान के पास जाता हूँ, कहते हैं संविधान तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुरान संविधान है। उन्हें ये नहीं पता संविधान क्या चीज़ है। कुरान को ही संविधान बोलते हैं, पता ही नहीं ना उन्हें, उन्हें इल्म नहीं दी जा, उन्हें जब उनके पास शिक्षा ही नहीं है। जब आप 15 साल की उम्र में शादी कर दोगे, 14-15 साल की उम्र में, उसके पास शिक्षा ही नहीं है ना। जो निकाह करवा रहे हैं उनको भी तो कम से कम, जो मौलाना है उनको भी तो पता रहता होगा ना कि इतने कम उम्र के बच्चों का निकाह करा रहे हैं। मौलाना वगैरह तो पढ़े लिखे होते हैं, उनको कम से कम समझाना चाहिए। देखिए उनके पास इल्म है, ऐसे जैसे मौलानाओं को जेल में डाल देना चाहिए, कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए। जो 16-14-15 साल की उम्र में शादी करने का क्या मतलब है, वो शिक्षा कैसे पाएगा, वो कैसे अपनी गृहस्थी चलाएगा, कैसे अपने बच्चों को शिक्षा देगा, उसको तो पूरे आने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो गया। अरे जब एक लड़की पढ़ी लिखी होगी, उसकी सही उम्र में शादी होगी, उसे ज्ञान भी होगा, अच्छी सोच होगी, अच्छे विचार होंगे, उसे संविधान का हर चीज़ के बारे में पता होगा। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि 14-15 साल की उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, उसको शिक्षा देनी चाहिए, उसे अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छी उसकी सोच विचार देने चाहिए, संविधान के बारे में बताना चाहिए। हमारा देश संविधान से चलता है, तो उन्हें मैं चाहता हूँ ये हर मदरसे के अंदर भी ये दो पन्ने संविधान के भेजे जाए, उन्हें संविधान के बारे में बताया जाए। क्योंकि मैं मुसलमान के बीच में जाता है, वो कहते हैं आप तो मुस्लिम ही नहीं है, क्योंकि मैं संविधान के तहत चलता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ देश के हिंदू भाई से, विशेष तौर से, वे किसी के बहकावे में आने का काम ना करे, यानी बड़ा पछताना पड़ेगा। मुसलमान तो साथ है ही है, लेकिन इस देश का हिंदू मत बहक है। देश बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है, तो देश के हिंदू को बहकना नहीं है, क्योंकि ऐसा देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं आएगा। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। असम की हिमंता बिस्व शर्मा सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और 3 दिन के अंदर 2000 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और जो भी लोग बाल विवाह करवा रहे थे या फिर बाल विवाह कर रहे थे उन तमाम लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं और ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। लेकिन कई लोग जो हैं वो सामने आ गए हैं और ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ टारगेटेड मुसलमानों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो। और कई मौलाना ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जब शरीयत है और शरीयत के अंदर 15 साल की एज में भी शादी कराने का प्रावधान है, तो संविधान के किसी भी कानून को हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि वाकई में देश का सच्चा मुसलमान जो है वो क्या सोचता है। आप हमारे साथ बने रहिए। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। जी मोहम्मद गुलशेर जी, बताइएगा कि आखिर आपको क्या लगता है कि वाकई में जो मुसलमान है उसको अपनी बेटी की शादी क्या उम्र में करानी चाहिए, जो शरीयत कहती है वो या फिर जो संविधान कहता है उस हिसाब से? देखिए संविधान के तहत शादी करनी चाहिए, वो 25-30 साल की उम्र में शादी करनी चाहिए, क्योंकि जब आप उसके 16-17 साल 18 साल की उम्र में शादी कर दोगे, ना उसके पास शिक्षा है, वो कैसे अपने गृहस्थी अपने घर को चला पाएगी, क्योंकि जब उसके पास शिक्षा ही नहीं है। तो मुसलमान को मैं चाहता हूँ संविधान के दो पन्ने जरूर पढ़ाने चाहिए, और हर मदरसे में दो पन्ने संविधान के भेजने चाहिए और टीचर भेजना चाहिए, क्योंकि ये टारगेट खाली मुसलमान को नहीं किया जा रहा, ये तो हर धर्म के लिए है। ये चाहे पंडित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, लेकिन ये मुसलमान को गुमराह किया जा रहा है। जैसे ओवैसी जैसे है, कुछ हमारे मौलाना आलिम जो लोग हैं वो अपनी कुर्सी के लिए, अपनी सत्ता के लिए जो मुसलमान है उन्हें गुमराह किया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ देश के मुसलमान से मैं कह रहा हूँ, आप किसी के बहकावे में मत आइए ना। जो काम मैं चाहता हूँ ये काम उत्तराखंड में भी हो, उत्तराखंड की सरकार भी करे, उत्तर प्रदेश की सरकार करे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाह रही मुसलमान के पास इल्म आए, अमल करे, शिक्षा आए। तो ये टारगेट नहीं किया जा रहा, जो इस तरीके का गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कुछ आलिम लोग हैं, ओवैसी साहब है, कुछ मुसलमान के नेता है, जो मुसलमान के ठेकेदार है, जो बेचारे जिनके पास मुसलमान के पास शिक्षा नहीं है, उन जैसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जैसा आपने कहा कि 16 साल की एज में, 18 साल की एज है, उस एज में अगर इनको करा दिया जाएगी, शादी करा जाएगी, तो पढ़ने का ऑप्शन खत्म होता है। बट वहाँ पर कई आंकड़े ऐसे सामने आए जिसके अंदर सिर्फ 14 साल की एज में, 11 साल की एज में शादियाँ हो रही हैं, तो ऐसी शादियों से क्या फ्यूचर नहीं खराब होगा मुसलमान का? देखिए युवाओं, जितने मुसलमान के युवा बच्चे हैं उनका फ्यूचर तो खराब होना ही होना है। वो कहीं भी चाय की दुकान पे मिलेगा आपको, कहीं वो नाई की दुकान पे मिलेगा, कहीं पुलिस करने पे मिलेगा, ना वे डॉक्टर बन पाएंगे, ना वो इंजीनियर बन पाएंगे, ना बीटेक पॉलिटेक्निक में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब उनके उनका पूरा फ्यूचर ही खराब हो गया, पूरे भविष्य खराब हो गया उनका। तो मैं चाहता हूँ 25-30 साल की उम्र में शादी होनी चाहिए संविधान के तहत, जो बच्चे अपनी पढ़ाई कर सके, शिक्षित हो सके, अपने जीवन को अच्छा बना सके। तो ये इस्लाम जो कुछ आलिम लोग हैं, मौलाना है, वो इस तरीके को गुमराह कर रहे हैं। पर वो लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो जो है वो पर्सनल लॉ बोर्ड है और शरिया है, तो संविधान को हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है जबरदस्ती? नहीं देखिए, हम जब हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हमें संविधान को मानना पड़ेगा।
क्योंकि कहीं हम क्राइम करते हैं तो हम कानून के दायरे में आ जाते हैं, और कहीं कहीं कोई मसला वैसा आता है धर्म का तो हम धर्म के उस पर आ जाते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं, हम जब हिंदुस्तान में रह रहे हैं हमें संविधान के तहत चलना पड़ेगा। और ये जो इस तरीके के मौलाना लोग हैं, ये टारगेट सिर्फ एक धर्म पर कर रहे हैं, एक अपने जो खाली तालीम दी जा रही है वो गलत बात है इस तरीके का। उन्हें देश के संविधान के बारे में भी बताना चाहिए। मैं देश में जाता हूँ, मुसलमान के पास जाता हूँ, कहते हैं संविधान तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुरान संविधान है। उन्हें ये नहीं पता संविधान क्या चीज़ है। कुरान को संविधान बोलते हैं, पता ही नहीं ना उन्हें, उन्हें इल्म नहीं दी जा रहा, उन्हें जब उनके पास शिक्षा ही नहीं है। जब आप 15 साल की उम्र में शादी कर दोगे, 14 15 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में, उसके पास शिक्षा ही नहीं है ना, उसे पता ही नहीं ना संविधान क्या चीज़ है, देश में कैसे जीना है, समाज में कैसे बैठना है, समाज में कैसे कहाँ कैसे, उसे पता ही नहीं कुछ इस तरीके का, जब शिक्षा ही नहीं है। तो आपको लगता है कि सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने जो शुरुआत की है उसका मुस्लिमों को भी स्वागत करना चाहिए, हर वर्ग को स्वागत करना चाहिए? देखिए, जो 40% मुसलमान उनके साथ में है, जो 60% भटके हुए लोग हैं वे 2024 में हमारे साथ आ जाएंगे। अच्छा, तो 40% मुसलमान, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, क्योंकि 14-15 साल की उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, उसको शिक्षा देनी चाहिए, उसे अच्छे संस्कार देने चाहिए, अच्छी उसकी सोच विचार देने चाहिए, संविधान के बारे में बताना चाहिए। हमारा देश संविधान से चलता है, तो उन्हें मैं चाहता हूँ ये हर मदरसे के अंदर भी ये दो पन्ने संविधान के भेजे जाए, उन्हें संविधान के बारे में बताया जाए। क्योंकि मैं मुसलमान के बीच में जाता है वो कहते हैं आप तो मुस्लिम ही नहीं है, क्योंकि मैं संविधान के तहत चलता हूँ। धर्म एक अलग चीज़ है, धर्म एक आस्था है। आपको कह देते हैं आप मुस्लिम नहीं है? हाँ, मुझे लोग बहुत कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन 40% लोग मुसलमान मेरे साथ है, मेरे समर्थन में है, मुझे अच्छा बोलते हैं, क्योंकि उनके पास में संविधान के तहत चलते हैं। धर्म एक अलग चीज़ है, धर्म एक बुराई से बचाता है, वो पाप करने से बचाता है। संविधान कह रहा है 15-16 साल की उम्र में शादी नहीं करनी है। तो सीएम हिमंता बिस्वा सरमा जो हैं, उन्होंने जब ये शुरुआत की तो उनके ऊपर कई आरोप ये लगे कि भारतीय जनता पार्टी और सीएम हिमंता बिस्वा सरमा जानबूझ करके मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए लाए हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि बाल विवाह की बात कर रहे हैं। तो क्या जानबूझ करके आपको लग रहा है कि भाजपा टारगेट कर रही है, या वाकई में एक अच्छी शुरुआत है? देख लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुसलमान के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, गुमराह नहीं कर रही है। गुमराह तो जितने ओवैसी जैसे हैं, जितने मुसलमान के ठेकेदार हैं, जो नेता है आजम खान है, इमरान मसूद साहब है, बहुत नेता है, ये मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं। जितने कुछ मौलाना आलिम लोग हैं, अपनी कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, 2024 में चुनाव आ रहा है उसके लिए मुसलमान को गुमराह किया जा रहा है। ये संविधान की बात ही नहीं बताते, हमारे देश में कैसे जीना है, कैसे हमारा, तो ये इस तरीके का टारगेट किया जा रहा है। और मैं चाहता हूँ, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, मुसलमान उनके समर्थन में है, पूरा देश का मुसलमान उनके साथ है, बहुत अच्छा निर्णय उन्होंने लिया है। अरे, यूपी में भी लागू होना चाहिए, उत्तराखंड में, हर स्टेट में लागू होना चाहिए इस तरीके का, उन्हें जेल में डालना चाहिए, बिल्कुल डालना चाहिए। और जो लोग जो हैं जो गुमराह कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जैसे, उनके लिए कोई मैसेज देंगे क्या? देखिए, मैं चाहता हूँ ओवैसी जैसे आदमी को तो पाकिस्तान में भेज देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ये देश के मुसलमान को, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को जोड़ने का काम नहीं कर रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को जोड़ने का काम कर रही है। जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए, योगी जी आए, ये इन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। हिंदू मुस्लिम खुश है, शिक्षा मिली है उसे, वो संविधान के तहत चल रहा है। अभी भी 40% मुसलमान आ चुके हैं हमारे साथ, 60% 2024 में आ जाएंगे। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जैसे जो निकाह करवा रहे हैं उनको भी तो कम से कम, जो मौलाना है उनको भी तो पता रहता होगा ना कि इतने कम उम्र के बच्चों का निकाह करा रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार हैं, उनके लिए भी कोई एक संदेश देंगे क्या कि मौलाना वगैरह तो पढ़े लिखे होते हैं, उनको कम से कम समझाना चाहिए? देखिए, उनके पास इल्म है, ऐसे जैसे मौलानाओं को जेल में डाल देना चाहिए, कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो सिख हो, कोई भी हो। जो 16, 14, 15 साल, 17 साल, 18 साल की उम्र में शादी करने का क्या मतलब है, वो शिक्षा कैसे पाएगा, वो कैसे अपनी गृहस्थी चलाएगा, कैसे अपने बच्चों को शिक्षा देगा, उसको तो पूरे आने वाले बच्चों का भविष्य खराब हो गया। अरे, जब एक लड़की पढ़ी लिखी होगी, उसकी सही उम्र में शादी होगी, उसे ज्ञान भी होगा, अच्छी सोच होगी, अच्छे विचार होंगे, उसे संविधान का हर चीज़ के बारे में पता होगा। तो लेकिन मुस्लिमों का जो युवा है पूरे देश में जो आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश देंगे कि उन लोगों को गुमराह होने से कैसे बच सकते हैं? लेकिन देखिए, जब से माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, सबसे पहले ये दिया था कलम दिया था, क्योंकि कांग्रेस ने कभी शिक्षा से दूर रखा है मुसलमान को, ये क्योंकि ये पढ़े लिखे कर नौकरी का सवाल करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले मोदी जी ने कलम, योगी जी ने कलम दिया, शिक्षा मिली उसे, तो जागरूकता आई है उसके अंदर, अब वो संविधान के तहत चल रहा है, उसे सियाराम कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि धर्म एक अलग चीज़ है, दूसरे के धर्म को ड्रॉप कर लेना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सियाराम कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देश का मुसलमान जागरूकता अच्छी आ रही है, वो जान चुका है, वो मोदी जी के साथ है, 2024 में दिखा भी देगा देश के मुसलमान, हम जिता कर फुल बहुमत के साथ इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो जो ये लोग राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उससे कुछ होगा नहीं, मुसलमान साथ देगा भाजपा का? देखिए, कांग्रेस हो जितनी भी पार्टियाँ, जितना भगाने का काम कर ले, ये जितने हथकंडा जमा ले, और मैं कहना चाहता हूँ देश के हिंदू भाई से, विशेष तौर से
वे किसी के बहकावे में आने का काम ना करे। यानी बड़ा पछताना पड़ेगा, मुसलमान तो साथ है ही है लेकिन इस देश का हिंदू मत बहक है। जितने भी दल आए गए ये तुम्हें पता नहीं तरह तरह की बात कहे गए, बहकाए गए, क्योंकि इन्होंने आप विकास को लेकर चलना, आज देश मॉडल है, देश के अंदर हाईवे, जल है, लाइट है, पानी है, नौकरी है, शिक्षा है, देश बहुत अच्छी दिशा में जा रहा है। तो देश के हिंदू को बहकना नहीं है, क्योंकि ऐसा देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं आएगा जो हमें पहनना भी सिखाया है, अच्छे संस्कार दिए है, देश सबका साथ सबका विकास, देश को जोड़ने का काम किया, हिंसा की बात नहीं की है, देश के अंदर नफरत की बात नहीं की है। और जो इस तरीके के ये मौलाना है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो 14-15 साल की उम्र में लड़की के निकाह कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि हिमंता बिस्व शर्मा और असम की सरकार ने जो शुरुआत की है वो मुसलमानों के भलाई के लिए है, और अगर मुस्लिमों की जो लड़कियाँ हैं और जो लड़के हैं अगर उनकी 14-15 साल के अंदर शादी कर दी जाएगी तो वो पढ़ाई लिखाई कैसे करेंगे। तो सभी जो राज्य हैं उनको इसकी और जो बढ़ना चाहिए। और ओ न्यूज़ हिंदी के साथ आप जुड़े रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।